अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नसरीन बट और आप देख रहे हैं बट चीज किचन। और आज बट चीज किचन में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही सादा बहुत ही मजेदार पैनकेक्स। और इन पैनकेक्स को हम पैन पे नहीं बनाएंगे और यही इंफ्रादियत है इन पैनकेक्स की। स्कूल जो है वो शुरू हो चुके हैं, छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं और जितनी भी मदर्स हैं उन सब की सुबह सुबह जो है वो भाग दौड़ मची होती है। गाड़ी आने वाली है, लंच तैयार करना है, नाश्ता बना के देना है। तो इस सारी अफरा तफरी के आलम में अगर आपको एक ऐसी रेसिपी पता चल जाए जो बहुत ही मजेदार भी है, हेल्दी भी है और आपको बनाने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके पास आपके घर में सैंडविच मेकर मौजूद है तो आप निहायत आसानी से मजेदार से स्नैक्स जो बच्चों को बना के दे सकती हैं। वो पैनकेक्स जो अमूमन पैन में बनाए जाते हैं उनको हम बनाएंगे सैंडविच मेकर में, जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं करनी पड़ेंगी। तमाम इंग्रेडिएंट सिंपल से हैं, उनको डालेंगे हम एक ही मरतबा ब्लेंडर में, करेंगे ब्लेंड और डाल देंगे सैंडविच मेकर में और पैनकेक्स तैयार हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस झटपट सी रेसिपी को। उसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए और प्रोसीजर इंतहाई सिंपल है, इंतहाई सादा और फटाफट तैयार हो जाने वाला। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिए और शुरू कीजिए। पैनकेक्स के लिए हमें तकरीबन एक कप के करीब मैदा चाहिए, ऑल पर्पस फ्लोर, एक अदद अंडा, आधा कप चीनी, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, तकरीबन 90 ग्राम मक्खन, तकरीबन आधा कप दूध, थोड़ा सा वनीला एसेंस, एक फुल टीस्पून आपने लेना है बेकिंग पाउडर और हाफ टी स्पून लेंगे बेकिंग सोडा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। जी अर्जा आपने नोट कर लिए, तो वक्त चूंकि बहुत कम है, सुबह सुबह का वक्त है, अफरा तफरी का आलम है, तो जल्दी से इसको प्रोसेस को शुरू करते हैं जो कि बहुत ही कम वक्त में तैयार होने वाला है। आपके पास ब्लेंडर है, मिक्सर है, कुछ भी है आप उसको यूज कर सकते हैं। मैं इस वक्त हैंड ब्लेंडर इस्तेमाल कर रही हूं। मैदा शामिल किया आपने, इसमें अंडा शामिल कीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मक्खन शामिल कर दीजिए। ये चूंकि सब कुछ फटाफट से है इसलिए आप सब कुछ बस इसमें शामिल कर दीजिए। चीनी शामिल करें, एक टीस्पून फुल आपने इस्तेमाल करना है बेकिंग पाउडर का, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा। अब हम इन सब चीज़ों को करेंगे ब्लेंड। अब हम इसमें दूध भी शामिल कर देंगे। आपके पास जिस भी तरह का सैंडविच मेकर हो घर पे आप उसके साथ इसको बना सकते हैं। ये मेरे पास सैंडविच मेकर है, इसे हम तकरीबन 5 मिनट के लिए प्री हीट पे लगाएंगे। सैंडविच मेकर को हमने प्री हीट पे लगाया है और ये आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा हमारा ये टेक्सचर जो है वो आ रहा है। अभी हम इसे 1-2 मिनट तक और बीट करेंगे। इसकी बीटिंग जितनी अच्छी होगी ये उतना अच्छा बेक होगा, बिल्कुल उसी तरह से जैसे केक किया जाता है। अगर आप इसको ब्लेंडर में भी करेंगे तो ये उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। आधी चाय का चम्मच वनीला एसेंस, अप टू योर टेस्ट एंड फ्लेवर है, अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो करें, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। जी ये बहुत अच्छे से आप देखें अगर तो बीट हो चुका, इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं। अब ये बिल्कुल तैयार है सैंडविच मेकर में जाने के लिए, तो आइए इसको सैंडविच मेकर में शिफ्ट करते हैं। एक चम्मच हमें ऑयल चाहिए ग्रीजिंग के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रीहीट बहुत अच्छे से हो चुका, अब हम इसे ग्रीस करेंगे। ग्रीस करने के बाद हम इसमें इस बैटर को शिफ्ट करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा बैटर हम इसमें शिफ्ट करेंगे। अब आप इसको लगाइए और फिर भूल जाइए जब तक कि इसकी लाइट्स जो हैं वो खुद से आपको बता देंगे कि अब इन्होंने ऑफ होना है या ऑन। अभी आप ये देख सकते हैं कि इसकी लाइट ऑफ हो गई है। आपने इसका चेक रखना है दो लाइट्स पे, मींस ये कि अभी ये ऑफ हो चुकी है, अभी ये ऑन होगी और फिर ऑफ होगी, फिर हम इसको ओपन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी हम इनमें नाइफ के साथ टेस्ट करेंगे कि ये आया
आप देख सकते हैं कि बिल्कुल क्लियर निकला है, इसका मतलब कि ये रेडी है। हम इन्हें निकालेंगे, डिश आउट करेंगे। सॉफ्ट से और मजेदार से आपके ये जो पैनकेक्स हैं वो रेडी हैं, गर्मा गर्म। आप इन्हें जरूर ट्राई कीजिए घर में, बच्चों के लंच बॉक्स में दीजिए। इसी तरह से आप बकिया के बनाते जाइए। इसको हम दोबारा से ग्रीस करेंगे। और दोबारा से बैटर जो है इसमें पोर करेंगे। उसी प्रोसीजर से आप इनको दोबारा से फिल कीजिए। जी सेकंड हमारा राउंड जो है वो भी रेडी हो चुका। आप इसको घर पे बनाइए, बहुत मजेदार बनेंगे और जल्दी तो बनते ही हैं। ये एक कप से आपके तकरीबन 8 से 9 पैनकेक्स जो है वो तैयार हो जाएंगे। ये थे आज के मजेदार से, सादा से और फटाफट तैयार हो जाने वाले पैनकेक्स, जिनको हमने बनाया सैंडविच मेकर में। और सुबह सुबह जो भागा दौड़ी और अफरा तफरी का आलम होते हैं खातिन के लिए स्पेशली, जब वो इस तरह से पैनकेक्स तैयार करेंगी तो उनको वक्त में थोड़ी सी रियायत मिल जाएगी, थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा और यकीनन आपके लिए थोड़ी सी आसानी होगी सुबह के वक्त, खासतौर से बच्चों की जब आप नाश्ता तैयार करती हैं। तो जरूर बनाइए आप इसको अपने किचन में और ये जरूर बताइए कि आप दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं हमारा ये किचन। और इसके अलावा अगर कोई ऐसी रेसिपी आपके पास मौजूद है जो आपको लगता है कि यूनिक है, डिफरेंट है और आपके खानदान की रवायात में से एक है, तो जरूर हमसे शेयर कीजिए, हम भी उसे बनाएंगे अपने किचन में। अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसके साथ साथ हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। बहुत सी दुआओं के साथ आपसे चाहेंगे इजाजत। अल्लाह हाफिज़।